एक है। जो पूरी दुनिया फतह कर रही ना, तो वापस अपने इलाके च गया। सुभान अल्लाह। अपने इलाके जो पहुंचा तो वजीर आजम नु कहण लग्या, भाई देख कोई इलाका ऐसा बनी जिथे साडी हुकूमत ना होए। उन्हें पूरी दुनिया का नक्शा खिला दिता। उन्हें कहा दस नाले केड़े केड़े इलाके केड़ा गवर्नर है। निशान लाना गया जी ऐसे इलाके जहाँ गवर्नर है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान चाहे गवर्नर है, हिंदुस्तान चाहे गवर्नर है, चीन चाहे गवर्नर है, फलां मुल्क चाहे फलां चो सारे आखिर देना कह लग्या। एक जगह पर दायरा ला के एक मुल्क ले बाकी है जिन्हों असी फतह नहीं कर सकते। उन्हें की नाम है मुल्क का? उन्हें क्या मक्का। मक्का असी अजे तक फतह नहीं कर सके। कैन करो फौज नू आर्डर दे तैयारी करे, असी मक्के नू ही फतह। बादशाह बड़ा समझदार सी, जिस इलाके नू फतह करदा सी ना, जिस मुल्क नू दे, उस मुल्क दे हकीम तबीब डॉक्टर आला किस्म दे पूरे मुल्क चो दस बंदे चुन लैंदा सी। किन्ने? और उन्हां दस बंदियां नू हर वेले अपने नाल रखदा सी, और हर मुल्क चो आसमानी किताबा दे हाफिज और आलिम जिहड़े तौरा ज़बूर इंजील सहायफ नू जानन वाले उलमा और औलिया, वो भी दस बंदे पूरे मुल्क च चुन गए। तैयारी हो गई जनाब, जो जान लगे तो जिहड़ी प्यादा फौज सी मक्का हुण फतह करन वास्ते चले। प्यादा फौज की तादाद सी 1,16,000। जेडी घुड़सवार फौज है ओदी तादाद सी 1,21,000। जेडे हुकमा और अतिबा हकीम तबीब डॉक्टर उन्हां दी तादाद 4,000, और उलमा और औलिया दी तादाद भी 4,000। नौकर चाकर गुलाम खुदाम इस तो इलावा। वो बंदा इतनी बड़ी बला फौज लैके जो मक्का शरीफ वल चलिया ना, पहले उसका तरीकेकार सी कि जिधर वो इतनी फौज लैके जाता सी लोग पहले ही जनाब शहरों बाहर आके उसका इस्तकबाल करना, लौंडियां गुलाम पेश करने, नाल करना जी असी भी तुहाडे आ, मुल्क भी तुहाडा, साडे ते हमला ना करी, तेरी मेहरबानी सानू माफ कर। अच्छा जदों मक्का शरीफ वल आया ना, बिल्कुल मक्का शरीफ के करीब आ गया, कोई 2-4 किलोमीटर पिछे सी, 2-4 मील पिछे। उन्हें कहा शायद मक्के वाले पता नहीं लग्या कोई बंदा इस्तकबाल वास्ते नहीं आया। उन्हें कहा इस तरह करो इतने पड़ाओ करो, फिर पड़ाओ इन्ने सारे लोगों ने, थोड़ी जी जगह से थोड़े से, ओ हद्दे निगाह तक इधर 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 दुनिया ही दुनिया पड़ाओ हो गया। सुबह बादशाह ने कहा भी चंद बंदे भेजो मक्के शहर, उत्थे जाके नकारा बजान, जो लोग जमा होण ते ऐलान करन कि भाई बादशाह इतने जाहो जलाल वाला है, पूरी दुनिया का फातेह जेदा नाम तुब्बा अव्वल है, वो पूरी दुनिया फतह करने के बाद मक्के नु फतह करने वास्ते तुहाडे करीब आ गया है, कल परसों तुहाडे ते हमला होने वाला है, जाओ बादशाह की बारगाह के अंदर उहदा तरला करो। वो पूरा दिन लोग नकारे बजाते रहे, जो लोग जमा होना उन्हें ऐलान करना, ऐलान सुन के लोग फिर टुर जाए, किसी ने कर ही नहीं करे। जो नकारिया ने तंग आ गए ना शाम टाइम, उन्हें एक बंदे ने पढ़िया, उन्हें कहा भाई तेन असी की कह रहे तुम समझ नहीं आती, तुब्बा बादशाह तुहाडे ते हमला कर रहेगा, पूरी दुनिया का फातेह है। कौन? तुब्बा। उन्हें कौन तुब्बा? जाओ लै जाओ तुब्बा, असी की करना। वो हैरान परेशान हो गए, ये कहते दे लोग वापस आए। उन्हें पूछा हाँ पैगाम दे है? उन्हें कहा जी पैगाम दे है। पूरे मक्के च पता लग गया? उन्हें कहा जी पूरे मक्के च की आले दुआले भी पता लग गया। उन्हें ठीक, सुबह हुई बादशाह का तख्त बिछाया गया, बादशाह का सोने का ताज सुन सिर ते रखिया, है पूरे रोब दबदबे नाल बैठा हो आकर के कि सरदारा ने कुरैश आन गए, उन्हें मेरा रोब और दबदबा होएगा, मेरे जलाल और मेरी इज्जत और तमकनत तो मुतासर होंगे। किन्ने को तकबर नाल बैठा होएगा, एदा अंदाजा तुसी कर सकदे हो, मैं अल्लाह या आसन इकबाल नु पुछ सकदे हो, अल्लाह शेख रशीद नु पुछ सकदे हो, डब्बू नु पुछ सकदे हो,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਕੱਬਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਕੱਬਰ ਤੋੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਮਨੇ TLP ਕੀ ਤਾਕਤ ਕੋ ਕੁਚਲ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਲਦਮ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਕੇ ਲੜਕੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਫੌਰਨ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ہاں تحریک لبیک کو تم کل عدم نہ کر سکے، ان کی طاقت کو تم کچل نہ سکے، لیکن میرے رب نے تمہیں ذلیل ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب تم سرتوں کی خاک چھان رہے ہو یار، کیا تھوڑے ووٹر نال مانگ کے کوئی MP MLਏ بن جائے نا، وہ تکبر نہیں چھٹ چکا جاتا چکا جاتا بابا بھی ملن چلے جائے نا، دو گھنٹے دے رہے بٹھا کے، بعد جی پوچھو بھی سر کدھر ہے جی، سر لیٹرین میں، ڈھائی گھنٹے ہوگا سر لیٹرین کی دفعہ ہو گیا۔ اور بادشاہ وہ نظام اور سی، وہ نظام اور سی کہ امیر المومنین بھی ہوئے، رات نو اٹھ کے گلیاں گشت بھی کر رہا۔ بغیر تھلے کپڑا بچھایا جنگل لیٹیا، یہ نظام تے اسلام ہی دے سکتا۔ بہرحال اپنے MP MLA وزیراں نو ویکھ کے اندازہ کر لو بھی اے جناب منگ منگ کے ترلے کر کر کے ووٹ لے کے، تو بھی کلے ووٹاں نال نہیں جاندے، کئیاں دی سپورٹ بھی ہوندی ہے، کئیاں دی ووٹ پلس سپورٹ تے پھر جاندے نے، تے پھر اے دے باوجود بھی تکبر اینا ہے کسے دی گل سننے واسطے تیار نہیں، تے جن نے تلوار دے زور تے پوری دنیا فتح کیتی او دے تکبر دا اندازہ کون لا سکدا۔ واہ، او دی تاں سریا نہیں کوئی سٹیل دا گارڈر سی، اج تکبر نال بیٹھا یہ نا عربیاں تے میرا روب ہوئے گا، سرداراں نے قریش مینوں ویکھن گے تے انہاں تے کپ کپی تاری آ جائے گی، پورا دن بیٹھا رہا کہ ہن آن کے سردار، ہن آن کے سردار۔ لیکن شام تک انتظار کیتا، کسے سردار تے کی ہونا سی، کوئی چوکیدار بھی نہیں آیا، چوکیدار نہیں آیا۔ بادشاہ نوں بڑا غصہ چڑھیا، انہیں شام نوں اپنی کیبنٹ دی میٹنگ بلائی، کہہ بھی انہوں پتا نہیں میں کتنے جاہو جلال والا بادشاہ، میری کتنی فوج ہے، کتنا جدید اس دور کا اسلحہ ہے میرے کو، میں ایک ہی کر سکتا، انہوں پتا نہیں۔ جہاں وزیر اعظم سی نا، وہ نام سی اماریس، نام سی اماریس۔ انہیں کہا بادشاہ سلامت بہت غصہ نہ کرو، یہ بدو لوگ ہیں، بیڈاں بکریاں اونٹ چرانا والے نے، مذہب یہ بتوں کے پجاری ہے، لیکن یہاں کو ایک گھر ہے کہ جنوں کہندے نے ایک کعبۃ اللہ ہے، وہ دے تے انہاں نوں بڑا ناز ہے، جڑا کعبے دے مقابلے چاہے اونوں یہ اپنی جُتی برابر نہیں سمجھدے، اونوں اپنی جُتی برابر نہیں سمجھدے۔ اچھا بادشاہ واسطے تے اے تے بلدی تے ہور تیل سی، انہاں کہے دا مطلب کرے نا میں نے جُتی برابر نہیں سمجھیا۔ فاتح فوج سی ادھر ادھر سیر کر دی، انہاں کہا فوج جمع کرو، صبح میں تانوں دساں گا، آرڈر دیاں گا سنو۔ اچھا بادشاہ نے نا آرڈر سنایا نہیں کسی ایک بندے نے، اپنے نا دماغ وچ سوچ لیا، تانوں پتا ہے پھر جے دے کول اختیار ہوئے او نکی جی سوچ تے نہیں نا سوچتا، ہاں جی جتنا بڑا متکبر ہوئے گا اتنی سوچ بھی اودی متکبرانہ ہوئے گی، گھٹیا ہوئے گی، تکبر گھٹیا پن نہیں ہے، اے تے اللہ دی صفت ہے، اس تو علاوہ کوئی کرے تو دا گھٹیا پن۔ کیا بات، انہیں اپنے دماغ سوچیا کہ صبح اٹھ کے میں کعبے دی اٹھ نال اٹھ بجا دیا، مکے نو صفحہ ہستی تو بٹھا دیا، اتھے دے مردان قتل کر دیاں گا، عورتان لونڈیاں اور غلام بنا۔ اچھا اینا سوچن دی دیر سی، بادشاہ دے سر چ درد ہوئی، پیس اٹھی دماغ چ، نک چوں منہ چوں کنا چوں اکھاں چوں پانی بہنا شروع ہو گیا، وہ پانی آنن فانن لمیاں دے اندر پیپ بن گیا، پیپ
पीप तो इतनी बदबू फैलनी के गुलाम खुदाम नौकर चाकर एकड़ा दे सामने दूर दौड़न लग पे। जेड़ा को कोई चीज देना आता जी कपड़ा लेना इंज करके वट दे के नक तो रख ना दो तीन बारी नक तो घुमाना कि किते इहदी बदबू नाल मेरी मौत वाकया ना हो जाए। रब जेड़ा ना अपने हबीब की इज्जत के मामले च बड़ा गैरत रब इस मामले लिहाज नहीं करता। ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮੋਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਤੌਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਗੁਸਤਾਖੇ ਨਬੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸਰਦਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਸਰਦਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਗੁਸਤਾਖੇ ਨਬੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸਰਦਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਸਰਦਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਗੁਸਤਾਖੇ ਨਬੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸਰਦਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਸਰਦਨ ਸੇ ਵਜੋ ਭਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚ ਪੀਪ ਬਦਬੂ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4000 ਹਕੀਮ ਔਰ ਤਬੀਬ ਸਨ ਨਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਚ 10-10 ਲਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਟਾਈ, ਨੌ ਨੱਪੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ 4000 ਨੇ ਟਿਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 4000 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨੀ ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਲਾਮ ਖੁਦਾਮ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਵੀ ਜੀ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਲਾ ਤਲਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਤਹਿਰੀਕ ਲੰਬੈਕ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੰਡਿਤ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਲੱਬੈਕ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਇਸੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤਹਿਰੀਕ ਲੱਬੈਕ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾਲਕੀ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾ ਤਲਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੁਗਾਰੀ ਹੈਗਾ ਮੁਜ਼ਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਲਕ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਕੁਛ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਰਫ ਤਹਿਰੀਕ ਲੱਬੈਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੇ ਯੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਬ ਮੈਂ ਯੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਤੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ।
मतलब इस तो बाद मैं संभालना है। और दूजा दूजे नूं कह रहा सी अपनी कैबिनेट के बंदे नूं बिठा के कि जब मैं इस कंट्रोल संभालूंगा तो फिर मुल्क का निजाम ऐसे हो जाएगा। हर कोई अपने मनसूबे बना रहा है। जेडे होंगे ना अल्लाह वाले उन्होंने ये दिन गरज नहीं है, उन्होंने ये दिन गरज है। जेडे 4000 औलिया सन ना उन्होंने एक सरदार भी है, जिस तरह उम्मत मुस्तफा दे अंदर बदिया दे सरदार हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु महीना भी रबीउल गौस नहीं है। इस तरह उन औलिया का सरदार सा 4000 का वो जिहड़ा ना वजीर आजम नूं मिलिया, उन्हें कहा बादशाह की होया है, ए लोगों की हाल चाल की मच गई। उन्हें कहा जी बादशाह ला इलाज हो गया है। हकीम कहते ने मौत तो इलावा उन्हों का कोई इलाज नहीं। उन्हें कहा हकीम कहते ने साढ़े हकीमान तू बादशाह ना जाके गल कर, मेरी गल मन लवे ते मैनु सच सच दसे ते जो मैं कमा उहदे ते अमल करे। बादशाह नु दस देना तेरे ला इलाज मरज दा इलाज मेरे कोल है, ला इलाज मरज दा इलाज है। तो पता चलिया जदों मरज ला इलाज हो जाए तो ओला इलाज अल्लाह वाले कर लेंदे। अल्लाह वाले जिवें इस दौर च मरज ला इलाज होया, नौजवान कोई जनाब दिन रात इंडियन फिल्मा देख रहे हैं, कोई जनाब नेट के अंदर गुम है, कोई इंग्लिश फिल्मा देख रहे हैं, कोई जनाब नौजवान जिन्हें रात को मसले की पुश्त खलो के आंसू बहा के रब नू मनाना सी, वो जवान जनाब सारी रात नेट देखने के बाद अल्लाह अकबर की आवाज आनी जो पुठा होकर सौ जाना। जो मरद इंज ला इलाज होया ना उस्ताद की मनने वास्ते जवान तैयार, ना जनाब मां बाप की मनने वास्ते तैयार। इस दौर के अंदर अल्लाह के वली इसके रसूल किबरा अमीरुल मुजाहिदीन मैदान च आए, उन्हें नौजवानों को लबैक के नारे नारे जगाया, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लबैक चश्मे फलक ने यह नजारा भी देखा, सामने गोलियां चल रही हैं, शल चल रहे हैं। असीं सारी जिंदगी ये देखते आए जिथे गोली चले तो सत्ता पाई भी नहीं खड़ा। पिछले दिन एक डकैती का वाकया होया, उन्हें रोकया, अगो दोवे भरा सन सके 50-60 लाख रुपया लैके जा रहे सन। वो जो आकड़े उकड़े दोवे भरा उन्हें ना डाकू ने गोली चला दी, जो अगले भरा गोली लगी ना पिछला लै गया इसका जो जंगल मर गया। सका भरा अपनी जान बचा गया। तो पता चला जो जान की वारी आए ना तो हर कोई जान छुड़ा जाता है, लेकिन चश्मे फलक ने नजारा देखा। अज भी नेट कट के देख लो, पुलिस वाले भी ये गवाही दे रहे कि जो नामोसे सरद लॉन्ग मार्च चलिया लाहौर तो वजीराबाद की तरफ, एक बंदे ने सीने गोली लगी, दूजा सीने के हाथ मार के कहना मैं भी अपने आका वास्ते आया, मेरा सीना क्या फरमान लगे बई अल्लाह दे घर काबतुल्लाह दे मुतल्लक ते शहर मक्के दे मुतल्लक कोई सोचे ही, इत्थों दे रहिशिया दे मुतल्लक बादशाह दा त्राह निकल गया। उन्हें कहा जी सोचा जरूर है पर मैं किसी ने दसिया तो नहीं। उन्हें कहा मेरा यह सवाल ही नहीं कि तू किसी ने दसिया या नहीं, सवाल है तू कोई अपने दिमाग च फैसला किया
उन्हें जी मैं फैसला किया उन्हें कहा कि उन्हें कहा जी मक्के शहर में मैं सफाई अस्थी तो मिटा देंगा काबे की इट नाल इट बजा देंगा मर्दा नु कतल कर देंगा बच्चों और औरतों लौंडियों नु गुलाम बना लांगा और एक गल याद रखना वली अंदा ही हो जिहड़ा गैरत वाला हो जिहड़ा नामूसे रिसालत की गैरत रखता हो जिहड़ा जिहदे च गैरत ना होए वो वली हो सकदा नहीं वो वली हो सकदा नहीं बली बेगैरत नहीं हो सकता ते बेगैरत बली नहीं हो सकता जो ही बादशाह ने नहीं गल की थी फौरन बली उठ के खड़ा हो गया जलाल नाल अखां सुरख हो गई और कह तेरी दुनियादार दी ये जिगर तेन पता है मक्का शहर केड़ा है ए काबा तुम्हारा की है मैंने कहा जी की है औलाद नाम हजरत अब्दुल्ला होगा और नस्ल चो औरत हो जिन्हों का नाम सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा होगा और सैयद अंबिया के वालिदैन हो गए और जिस मक्के नूं तू मिटाउण दी सोच रहा है सोना मुस्तफा दिया गलिया च नन्ने नन्ने कदमा नाल चलन गए फिर मेरे को बड़ी गलती हो गई कोई यदि माफी है उन्हें क्या बिल्कुल है कह लगा कि उन्हें क्या बस वो जेडे नबी है ना और रहमतां दे ताज पहन के आ गए जो एडे लजपाल ते करीम है सदके अज भी कोई दुआ मंगे ते अल्लाह या हारियो या जंगा उन्हां दे सदके नाल जितवा देंदा हारियो जंग नूं अल्लाह ताला शिकस्त नूं फतह दे अंदर बदल देंदा है उन्हां दे सदके कोई मंग लवे उन्हें कहा यार फिर मैं नहीं मंगा उन्हें कहा फौरन बादशाह ने आख सुके اللهم اغفر لي خطيئتي بحق محمد النبي الرحمه يا الله جڑا او تیرا رحمت والا نبی ہونا ہے نا او دے صدقے میری خطا نو معاف فرما سبحان اللہ بادشاہ کہندا بندہ دی نفس بھی یادے ہی اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے مینوں نہیں پتہ دعا مانگ کے میں منہ تے ہاتھ پہلے پیرے نوں کہ اللہ نے شفا پہلا عطا سبحان اللہ شفا پہلا عطا کر اچھا جو ہی شفا ہوئی نا कल यही बादशाह इन तकबर सोच रहा कि सुबह मैं काबे ना देंगा सुबह ही मेरे रब ने इन तकबर तोड़िया सर झुका के काबे का तवा उस काबे का तवा काबतुल्लाह का तवाफ किया फिर जे काबे के मुजावर सन खादिम सन उन्होंने अंदर तोहफे तहाइफ इनाम तकसीम किए उस दौर का सब तो आला कपड़ा खिलाफ सिला के काबतुल्ला से चढ़ाया और जदों का काबतुल्ला तामीर होया सब तो पहला खिलाफ कुब्बा बादशाह ने अपने हाथ में चढ़ाया और जदों हुजूर ने मक्का फतह फरमाया तो सरकार ने साफ फरमाया ए बुत्तां नूं चुक के बाहर सुट दिओ सारी हैल तो हालत तब्दील की लेकिन फरमाया खिलाफ नहीं उतारिया जाएगा इन साडे नाल जिन्होंने साडी आमद तो पहला प्यार किया है ਤੁਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ 2-250 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਾਏ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਨ ਹਰਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ बहुत सारा एरिया खाली है फौज भी आगे जाएगी नौकर चाकर खादिमीन भी आ जाएंगे बादशाह ने कहा तब्बू ला दो पानी है उन्होंने कहा पानी जाके खेमे खुमे लगने शुरू हो गए बादशाह अपने खेमे चलिया गया दूजे तीजे अपने जेडे सन 4000 औलिया सारे एक दूजे के दोस्त बेली बन के रह रहे सन ता ही फिर वक्त कटता है दो वली आपस में दोस्त सन जिम्मे शाह साहब हजरत साहब हो इन दोवें आपस में सैर करने वास्ते निकले टुरद्यां टुरद्यां ना एक वली दूजे नूं कहिंदा है यार ए जिहड़ा खजूर दा दरख्त है ना इंज लगदा जिवें मेरे नाल गल करना चाहुंदा है सुभान अल्लाह दूजे ने कहा यार हवा और फिजा च भी अजब मस्ती है जिवें इन्हां नूं किसी शहर ते बड़ा नाज़ हुंदा एक ने दूजे नूं पुछे इलाके दा नां की है क्योंकि मैं पहली बारी आया पता नहीं
दूर दराज बंदा जा रहा उसने आवाज दी भाई है गल सुन मकान की क्या इलाके का नाम उन्हें कहा अज इतने खजूर का झुंड है ना तो पानी का चश्मा उबल रहा है उन्हें कहा अस इस स्थान को कहने यसरब महबूब ने हिजरत फरमा के यसरब आना है और आके मदीना बनाना है। दौड़ के आए बाकी 4,000 औलियां बिठाया कह लगे भाई कोई दस किसी मुल्क दे कोई दस किसी मुल्क दे कोई दस किसी मुल्क दे किस्मत केर के उस थां ते लै आई है जेड़ा सोने मुस्तफा दा इलाका है जेड़ा सोने दी हिजरत गाह है। वो बाकी औलिया नूं भी इशारे हो चुके सन उन्हें क्या हां बादशाह नाल गल करो भाई असीं हुण इत्थे जाणा नहीं असीं हुण इत्थों जाणा नहीं बेशक बादशाह सख्ती करे सख्ती की लांगे अगर बादशाह कतल ही क्यों ना कर दे कतल होने वास्ते तैयार है पर हुण ऐ थां छड़ के नहीं जाना बाद तो बाद यही करेगा ना बादशाह भी साड़ी मनी नहीं कतल कर देगा लगा जे कतल होए इत्थे कतल होवांगे ते कबरा भी ते इत्थे बन गई है ना ते सोना कदे ते खरामा खरामा चलदा होया इधरों गुजर जाए ते सोना कदम रखेगा मैं तलियां चोबरा और यहां ने फैसला कर लिया ते बाबा जी फरमांदे ने बंदा दलेर ही उदों हुंदा है जदों अंदर इश्क मुस्तफा बंदा दलेर ही उदों हुंदा है। अच्छा पहले जेडे बादशाह दे दरदे हाथ बन के ऐ वी वाली सन लेकिन नाल नाल किधर बादशाह कहंदा उधर लेकिन जदों बात आई सीने च इश्क मुस्तफा दी जदों जर्रा नसीब होया कहन लगे बादशाह नाल गल करिए फिर एक ने कहा गल कादी करनी है इत्थे सदो बादशाह नूं सोने का मुनकर ताजा ताजा टीका लग्या सी ना 4 दिन पहले मैं कदों मुनकर हां सोने का तुहाडी तादाद कितनी है वलियां नूं पुछिया मिस्त्री बुलाए बीमार बुलाए इंजीनियर बुलाए वो इंजीनियर क्या भी 4,000 और एक मकान का नक्शा अजे तक कोई आबादी नहीं सिर्फ पानी का चश्मा खजूर 4,000 और एक मकाना का नक्शा बना नक्शा बन गया। अच्छा बादशाह ने जो नक्शा बन गया ना तो पहली इट अपने हाथ में रखी फिर दूसरी इट रखी फिर तीसरी इट रखी आका करीम की विलादत बादशाहत तो 1,000 साल कबल जिस थां पे तुब्बा बादशाह ने पहली इट रखी उस थां पे आज शहर मुस्तफा मदीना है। सुभान अल्लाह हुजूर की आमद तो कितनी देर कबल है 1,000 साल पहले पहली इट भी रखी दूजी भी तीजी भी रब दुनिया नु दस रहा है कि तुब्बा बादशाह पूरी दुनिया का फतेह है लेकिन मेरे मुस्तफा के दर से मजदूरी कर रहा है और जिन्हें जिन्होंने दर का मजदूर